सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर और रे ऑप्टिक्स का मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंडिंग माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं पढ़ा है तो इसको समझना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए उसको पहले पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप तो सिंपली किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए था, नॉर्मल से चीज़ों को, जैसे जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, जो ऑर्नामेंट का काम करते हैं वो आँख पर अपने लगा लेते हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसमें एडजस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि दो वहाँ पर लेंस लगा लेते हैं और उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फोकल लेंथ को भी मिलाना पड़ता है, और वो क्या होता है, वो टीनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के होते हैं, बहुत छोटे से पार्ट्स हैं उन्हें आपको देखना है मैग्नीफाई करके, तो उसके लिए यूज़ होता है। ये जो टेलीस्कोप होता है, पहली बात तो बहुत दूर की चीज़ और बहुत बड़ी चीज़, इसको देखना ज़रूरी है, इसके देख ले होता है। सबसे मेन है कि बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ को देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ए टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जैसे कि चांद देखना है, सूरज देखने हैं, स्टार्स देखने हैं, इन सब को, अलग अलग प्लैनेट्स को देखना है, तो इनको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आपके सिलेबस में जो है वो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसमें भी कई वैरायटी होती है, उसमें भी सिंपल आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही पढ़ना है। तो मेनली हमें क्या पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक तरीके से होता है कि इसमें दो लेंस होते हैं, जैसे कंपाउंड लेंस था ना, वैसे यहाँ पर भी दो लेंस लगेंगे, लेकिन यहाँ पर एक लेंस इतना बड़ा लगेगा कि उसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और एक जो लेंस लगेगा वो उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होगी। अब मान लीजिए, और दूसरी बात ये है कि ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर के बीच में लगता है, जैसे ये पाइप है, अब एक पाइप के ऊपर दूसरी पाइप है और ये पाइप क्या है, ये आगे पीछे मूव कर सकती है। इसकी वजह क्या है कि जब हम एक साइड से एक लेंस लगाएंगे और दूसरे साइड दूसरा लेंस लगाएंगे, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करते हैं ताकि दोनों की फोकल लेंथ में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जहां इमेज बनना है वो हमें फोकस के पास बनाना होता है, फोकल लेंथ के पास, तो वो एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पाइप को आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो दोनों के एंड पर क्या होता है, दोनों ही लेंस लगे होते हैं। एक लेंस होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो बहुत ज़्यादा हाई फोकल लेंथ का होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लार्ज फोकल लेंथ, लार्जर एपर्चर भी होगा और साथ ही साथ इतना बड़ा बनाया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसिडेंट रे है वो कैप्चर कर सके। मतलब आप देखेंगे टेलीस्कोप जो लगा होता है वो छतों पर लगा होता है और टेलीस्कोप का जो लास्ट वाला एंड होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, ताकि जो मान लीजिए हमें किसी प्लैनेट को देखना है वहाँ से जो रेज आ रही वो ज़्यादा से ज़्यादा रेज को वो कवर कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं इसको बहुत ही लार्जर फोकल एरिया का लेते हैं, लार्जर फोकल लेंथ का ले लेते हैं। और जो आई पीस होता है जिसको हम आँख के पास लेते हैं वो ये है, आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। यहाँ पर आई पीस का फोकल लेंथ एफ ई से रिप्रेजेंट किया गया है, ये रहा एफ ई फोकल फोकस इसका, और ये जो लार्जर फोकल लेंथ का है इसका फोकस जो है ये एफ नॉट है, एफ नॉट ऑब्जेक्ट का एफ नॉट एफ ओ लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी से स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल एपर्चर। अब इमेज का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है वो समझिए, इमेज का फॉर्मेशन हो कैसे रहा, जो इमेज है वो जाहिर सी बात है वो कहीं इन्फिनिटी पे है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लंबी डिस्टेंस है कि हम उसे क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी से है, इन्फिनिटी से जब भी कोई रेज आती है क्या आपस में पैरेलल होती है, तो ये दो रेज कैसी आ रही, पैरेलल आ रही, एक तो इसके सेंटर से पास कर रही और दूसरा यहाँ आकर के रिफ्रैक्ट हुई, जब रिफ्रैक्ट हुई तो क्या हुई, अपना पाथ चेंज कर ली और ये दोनों जाकर के मीट कर गई ए डैश पर, और जैसे ही यहाँ ए डैश पर मीट कर गई तो इसकी वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, यानी जो बहुत दूर का जो एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से ए डैश बी डैश। क्लियर, ये जो इमेज का क्रिएशन हुआ है, ये बात समझिएगा, ये जो इमेज का क्रिएशन हुआ है इस ऑब्जेक्ट जो है उसके फोकस पे हुआ है, जाहिर सी बात है वो कहाँ था, इन्फिनिटी पर, तो इसके फोकस पे हो गया होगा, इमेज बन गया। अब ये जो इमेज यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये इमेज
इस छोटे वाले लेंस यानी आईपीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। और इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है दोनों को कि ये जो इमेज बने इसके फोकस के बीच में बने। आप देखिए इसका फोकस एफ ई यहाँ है, तो इसकी इमेज जो बनानी है वो फोकस के इधर ही बनानी है। इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है ना, ताकि इसका फिर इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज मैग्नीफाई करके बना सकें। अब देखो ये जो रेज हैं, ये जो रेज आई थी, ये रेज तो आगे लेंस में भी गई और आगे निकल गई, लेकिन जब आगे निकल गई तो हमने बैक में उसको एक्सटेंड किया, तो ये रेज आ करके यहाँ पर मीट कर रही सब, और इस ऑब्जेक्ट की वजह से एक नई इमेज हमें यहाँ पर मिल गया। ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, क्लियर समझ में आ गया। ये तो हो गया इमेज की फॉर्मेशन की बात। अब एक बात समझिए, ये जो इमेज बना, हमें इमेज कहाँ पर बना कर देखना होता है, हमें तो इस इमेज को अब देखना है ना, तो जाहिर से बात है मैं उस इमेज को वहाँ बनाऊँगा जहाँ मुझे क्लियर दिखे, हाँ, और वो मैं बनाऊँगा 25 सेंटीमीटर यानी डिस्टिंग्विशिंग पर, मिनिमम डिस्टेंस पर। तो इसीलिए अगर मैं इस लेंस की बात करूँ, इस लेंस की, तो इसके लिए जो यू है वो यू ई है और निगेटिव होगा, क्लियर। इसके लिए जो वी है वो डी है, इमेज यहाँ बनी है, और उसके लिए फोकस क्या है, ये एफ ई है, क्लियर। ये तो इसके लिए बात हो गई। अगर इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए फोकस एफ ओ हो गया, और यहाँ पर जो जो इसका इमेज बना वो यहाँ पर बना, क्लियर। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड एट द आई, आँख पर एंगल बन रहा है किसके थ्रू, बाय द फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज आँख पर एंगल बनाए, फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग विजन, यानी इमेज कहाँ पहले बनाओ, लीस्ट डिस्टेंस पर। अब इमेज जो बनी वो आपकी आँख पर जो एंगल बना रही है वो एंगल लिखना है, क्लियर। यानी वो एंगल क्या हो सकता है, ये रहा इमेज फाइनल इमेज, और आपकी आँख कहाँ है, आँख तो लेंस भी तो है, यानी जो इमेज यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा, इसे ही हम बीटा कहेंगे। इमेज के थ्रू बना हुआ एंगल कहाँ पर, आँख पर। दूसरा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट, यानी अब इमेज एंगल किसको बनाना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और बनाना आँख पे ही है, और एट इन्फिनिटी व्हेन सीन डायरेक्टली। अब हम क्या करो, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखो, और वो ऑब्जेक्ट आपकी आँख पर कितना एंगल बना रहा है। एक बात बताओ, आप आँख यहाँ रखो या यहाँ रखो, इन्फिनिटी वाले के लिए कोई फ़र्क पड़ने वाला है भाई, आप यहाँ खड़े हो जाइए यहाँ खड़े हो जाइए, जो चीज़ इन्फिनिटी पे है उसकी डिस्टेंस तो वही बनी रहेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी आँख यहाँ पर है, और बताओ जो रेज आ रही है इन्फिनिटी से वो यही तो है, इसका मतलब वो एंगल क्या हुआ, ये रहा। ऑब्जेक्ट ने आपकी आँख पर कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया। आप आँख यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, जो चीज़ इन्फिनिटिव है उससे इतनी डिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस वजह से यहाँ ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा एक हम ट्रायंगल ले सकते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन करते हैं, है ना, इसमें मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन कर लेते हैं, देखते हैं मैग्नीशन मैग्नीफिकेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखें तो वो हो गया एम इज़ इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, यानी बहुत ही छोटा वो है तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा। अब ज़रा टेन बीटा की वैल्यू लिखते हैं, टेन बीटा की वैल्यू जानते हो कैसे लिखो, इस ट्रायंगल को ले लो, ए डैश बी डैश ई, दिख रहा है सबको, ए डैश बी डैश ई, तो यहाँ से टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यानी यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन, हाँ बी डैश ई अपॉन, हमने लिया है टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। अब उसके बाद अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा में ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ओ बी डैश ए डैश, यहाँ से ओ बी डैश ए डैश, तो टेन अल्फ़ा के सामने ये परपेंडिकुलर, फिर से ए डैश बी डैश, यानी यहाँ हो गया ए डैश बी डैश अपॉन, बेस क्या होगा, ओ बी डैश,
ओ बी डैश, यानी मैंने लिया है टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। अब ये ऊपर जाएगा, ए डैश बी डैश कट जाएगा, एम हमारे पास आएगा ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई। ज़रा देखो ओ बी डैश की वैल्यू मिल सकती है क्या, ओ बी डैश ये तो इसका फोकस है, है ना, तो क्या आ गया एफ नॉट एफ ओ, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वाला लेंस उसका फोकस एफ नॉट है, और पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रेज के डायरेक्शन में मेजरमेंट है। दूसरा क्या है बी डैश ई, ये देखो ये रहा बी डैश ई, क्या ये डिस्टेंस ये है यू ई, बी डैश ई यू ई है, और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि रेस का डायरेक्शन ये है और हम यहाँ से मेज़र करेंगे लेफ्ट में, तो ये हो गया माइनस यू ई, यानी हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, एक इक्वेशन ये हमारे पास आ चुकी है। अब ज़रा इसी ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि आई लेंस आई पीस के लिए, फॉर आई पीस एक काम करो लेंस का फॉर्मूला लगाओ, तो लेंस के फॉर्मूले के लिए पहले यू वी तो पता करो, क्या इसके लिए इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है यू ई, और वो क्या होगा माइनस में, बताइए इसका, हाँ ये रहा इमेज तो ये रहा डी इसका, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस डी, फॉर्मूला लगाते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस यू, उसका फोकस का मामला क्या है भाई एफ ई, हाँ वन अपॉन एफ ई सॉरी यहाँ लिखेंगे वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस डी वन अपॉन माइनस यू ई, तो ये तो प्लस हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन यू ई, इसको इधर ले जाऊँगा तो वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन एफ डी, सही है एफ ई माइनस में नहीं, फोकस को माइनस में क्यों लेंगे हम, फोकस को माइनस में एफ ई तो उधर भी होगा, तो ये जो एफ ई है ये एफ ई इधर भी तो होगा, ऐसे मामले में फोकस माइनस में, हाँ पॉजिटिव भी लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, ये वन अपॉन यू ई है, वन अपॉन एफ ई कॉमन ले लो तो वन प्लस एफ ई अपॉन डी होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो एफ ई कट जाएगा वन अपॉन डी बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस एफ एफ ओ अपॉन यू ई है, तो माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दो ताकि एम आ जाए, तो माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आएगा माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, यह आएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और ये वन प्लस एफ ई अपॉन डी, क्या इसकी जगह एम रख सकता हूँ मैं अब, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन फार्मूला आ गया एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन एफ डी, ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमारा यहाँ पर बन गया। अब देखो यहाँ पर ज़रा डेरिवेशन में फार्मूला तो आ चुका है, अगर मुझे मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए यानी कि मैं बना दूंगा एफ ओ इज़ ग्रेटर देन एफ ई, ग्रेटर देन ग्रेटर देन बना दो तभी तो ज़्यादा आएगा भाई, ये वैल्यू देखो ना, ये तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, ये देखो अगर हम एफ ओ को एफ ई से ज़्यादा लें फोकल लें तो क्या होगा एम ज़्यादा होगा, यानी हमें क्या होगा मैग्नीफाई मिलेगा, चीज़ें मैग्नीफाई मिलेगी, इसीलिए एफ ओ इसकी लेंथ को बढ़ा लिया जाता है, इसकी फोकल लेंथ को बहुत बड़ा लिया जाता है, इसकी फोकल लेंथ को बहुत छोटा लिया जाता है। दूसरी चीज़ एक चीज़ जो नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब ये है कि इससे जो मिलेगा मैग्नीफाई मिलेगा लेकिन एरे उल्टा मिलेगा, नेगेटिव का मतलब ये होता है ना उल्टा मिलता है मैग्नीफिकेशन के बाद, तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा, क्लियर समझ में आ गया दोनों चीज़ें, एक तो एफ ओ यानी कि जो ऑब्जेक्ट का लेंस है उसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू आई पीस लेंस, और दूसरा जो नेगेटिव साइन ये साफ साफ शो कर रहा है कि हमें मैग्नीफाई मिलेगा और
रियल मिलेगा और उल्टा मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग।